मिल्क बर्फ़ी बनाएंगे। मिल्क बर्फ़ी बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए, एक कप मिल्क पाउडर, एक कप चीनी, एक कप ऑयल, तला हुआ तेल नहीं डालना है, फ्रेश तेल रखेंगे, आधा कप मैदा, अभी एक ट्रे को ऑयल से ग्रीस करके रखेंगे। मैं मैसूर पाक का ट्रे लिया है, अभी चीनी कढ़ाई में डाल रही हूँ। एक कप पानी डाल रही हूँ। अभी इसको मिक्स करेंगे। चीनी गलने तक एक बर्तन में मिल्क पाउडर डाल रही हूँ, मैदा डाल रही हूँ, ऑयल, ये तीनों अच्छी तरह से मिक्स करके रखेंगे। देखिए ऐसा गांठ नहीं होना चाहिए, लम्स नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से मिक्स करके रखेंगे। देखिए एक ही साइड से हम घुमाएंगे ना तो गांठ नहीं बनता है, लम्स नहीं बनता है, कितना अच्छा ये मिक्स हो रहा है। देखिए गांठ नहीं है। अभी ये चाश बन रहा है, देखिए चीनी सारा गल गया है। देखिए इस कंडीशन में जब बूंद बूंद गिरता है ना, उस समय देखिए ऐसा बूंद बूंद गिरने समय, देखिए मैं और एक बार दिखाती हूँ, देखिए इतना पागाने से बस है। अभी इसमें जो मिक्स करके रखा था ना मिल्क पाउडर, उसको इसमें डाल रही हूँ। हाथ नहीं छोड़ना है, मिक्स करते ही रहना है। देखिए कितना अच्छा ये मिल्क बर्फी रेडी हो रहा है। इसको ऐसा घुमाते रहना है, मैसूर पाक को हम घुमाते हैं ना, ऐसा ही इसको घुमाते रहना है। देखिए ऐसा देखिए जब कढ़ाई को नहीं लगता है ना, गैप गैप दिख रहा है ना, इस कंडीशन में इसको उतार देंगे। देखिए घुमाते समय नीचे कढ़ाई दिखता है ना, अब ये हो गया है, ग्रीस करके रखा था ना ट्रे, देखिए थोड़ा गट हो रहा है। अभी इसको ट्रे में निकाल देंगे। देखिए जितना पतला चाहिए हम उसको डाल के सेट कर सकते हैं। अभी ये ठंडा हो गया है, अभी इसको थोड़ा ठंडा होते ही इसको काट लेना है। देखिए अब ये चाहिए तो इसमें ऊपर से ड्राई फ्रूट काट के डाल सकते हैं, मैं प्लेन बना रही हूँ। अब ये ठंडा हो गया है,
अभी इसको मैं काट रही हूँ, देखिए ऐसा, जो साइज हमको चाहिए उस साइज का हम पीस काट सकते हैं। देखिए अभी मैं इसको सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ, देखिए कितना अच्छा बर्फी रेडी हो गया है। अभी इसको मैं सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ। मिल्क बर्फी रेडी।